ये समाचार आ रहा है कि कर्नाटक के अंदर मजदूरों को बिहार आने से रोक दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि न तो किसी मजदूर को जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है और न ही किसी को रोका जा रहा है, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में, पंजाब में, गुजरात में या कर्नाटक में बड़ी संख्या में उद्योग प्रारंभ हो गए हैं, निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है, तो बड़ी संख्या में वैसे मजदूर जो आने का मन बना चुके थे, उसमें से अनेक लोगों के मन में विचार आया कि जाकर क्या करेंगे, यही काम धंधा मिल रहा है, यहीं पर काम करें, और इसलिए यह समाचार गलत और भ्रामक है कि किसी के दबाव में मजदूरों को रोक दिया गया है। मजदूर अपने मन से काम में लग गए, तो बड़ी संख्या में लोगों ने इसे इनकार कर दिया। इसके पहले भी दो ट्रेन बेंगलोर से आ चुकी है और आगे आने वाले एक सप्ताह में 8 और स्पेशल ट्रेन बेंगलोर से चलकर, कर्नाटक से चलकर और बिहार आने वाली है। और इतना ही नहीं तो बिहार की श्रम शक्ति का एहसास लोगों को हो चुका है, इसलिए आज खगड़िया से लगभग 226 मजदूर तेलंगाना के लिए प्रस्थान कर गए, क्योंकि तेलंगाना सरकार का संदेश आया था कि वहाँ की चावल मिलों में काम करने वाले जो बिहार के मजदूर हैं, अगर वो आना चाहें तो उनको ज़्यादा वेजेस देकर, ज़्यादा मजदूरी देकर वो काम कराने के तैयार हैं। तो मुझे खुशी है कि आज खगड़िया से 222 या 226 मजदूर और तेलंगाना के लिए प्रस्थान कर चुके।